हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, अगर हम विकास लाइफ केयर शेयर को लेकर के बात करें तो इस शेयर में अभी एक अपट्रैक मूवमेंट नहीं आया। 3.75 रुपये से ये 7-8 रुपये तक गया, वापस इसमें से एक डाउनफॉल आया और 5 रुपये की स्टेबिलिटी के आसपास बना हुआ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि शेयर में मूवमेंट ऐसे आता है, जैसे 12, फिर 9, फिर 10, फिर 6, फिर 8, फिर 4, फिर 5, फिर 3, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन जब शेयर में 2, 2.5, 3, 7, 5, 9, 6, 12, 8 तो शेयर का एक अपर ट्रैक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो विकास लाइफ केयर का भी ट्रैक वही बन रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो 4-5 रुपये की स्टेबिलिटी पे आ गया, फिर वापस हो सकते हैं 9-10 रुपये तक जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इंडिविजुअल ट्रैक लेगा, इंडिविजुअली अपनी स्पीड से बढ़ेगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कभी 20 रुपये होगा। इन्फीबीम एवेन्यूज़ की भी बात कर लेता हूँ। इस विकास लाइफ केयर के शेयर को लेकर के इन्फीबीम एवेन्यूज में 13-14-15-16 रुपये रुलाता रहा शेयर, लेकिन फिर जब गया एकदम से 40 रुपये हो गए, 3 गुना, 13-39 विद इन मंथ 3 गुना, क्योंकि कंपनी का बेटर फंडामेंटल था, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा था, कंपनी का जो वर्किंग लेवल फंडामेंटल है वो अच्छा था, प्रॉफिट्स ग्रोथ हो रही थी, शेयर डाउन ट्रैक पर था, इसलिए तो मैंने आपको बताया था। लेकिन जो इसने पेशेंस रखा वो कमा रहा है, और जिसको उतावली थी, उतावलापना, या थोड़ा बहुत पैसा लगा के छोड़ देने से, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने से वो खतरा है, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि रातों रात तो कोई भी शेयर करोड़पति नहीं बनाएगा आपको, इट टेक्स टाइम। तो इन्फीबीम एवेन्यूज़ का एग्जांपल देकर के विकास लाइफ केयर को कह रहा हूँ कि विकास लाइफ केयर में पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी ये ट्रैक पे आया ही नहीं है। हाँ, आपने 5-6 रुपये पे लिया है इसको, और अभी ये 1.4 रुपये चला गया था, आपको लेने का मौका था, एवरेज बनाने का मौका था, आप ले लेते, और नीचे चला था तो और खरीद लेते और एवरेज बना लेते, क्योंकि इसके बेटर फंडामेंटल्स हो रहे हैं और शेयर की कोई ज़्यादा लागत भी नहीं है। बिलो ₹5 अगर कोई शेयर मिलता है या 5-6 रुपये को मिलता है, उसमें अगर हम 1,000-2,000 शेयर लेकर के रख लें, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दें और डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं, आप जानते हैं मेरे बताए हुए शेयर्स में अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि डूबा हो, आपको पैसा बना के दिया है। अगर एक शेयर भी आप ट्रक पे आता है तो अच्छा खासा पैसा बना के देता है। चाहे आप सुजलोन का एग्जांपल ले लें, अगर आपने मेरे कहने पे 5-6 शेयर भी 6-6 रुपये के लेवल पे 6-6 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1,000 क्वांटिटी उठाई, तो अकेले सुजलोन ने इसकी भरपाई कर दी। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझिए, अब ट्रक मूवमेंट आएंगे, विकास लाइफ केयर में भी आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल ट्रक के मूवमेंट जब आएगा तभी ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि मार्केट अपट्रैक मूवमेंट से इन्फीबीम एवेन्यू ऊपर नहीं गया, ये तो अपने ट्रैक से ऊपर गया, और इंडिविजुअल ट्रैक जब शेयर लेता है तभी ऊपर आता है, ना कि मार्केट के इंडिविजुअल ट्रैक के कारण कोई शेयर ऊपर आता है। ये चीज़ मैं कई बार भली बात आपको समझा चुका हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पेशेंस प्लस इन्वेस्टमेंट एंड कंसंट्रेट ऑन योर बिजनेस और जॉब्स, दीज काइंड ऑफ शेयर्स गिव यू द बेटर रिटर्न एट देयर ओन मेजरमेंट इंडिविजुअल अप ट्रैक लेवल अकॉर्डिंगली। अब आ रही है मेरी बात, आपको समझें, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।